इस बार नई सरकार गठन के बाद फिर से जो है इन कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है। खासतौर से थानों में जो पहले था ये टॉप 10 क्रिमिनल्स का, उसको फिर से शुरू किया गया है और सभी टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभी एक अभियान शुरू हो चुका है और जल्दी इसके परिणाम आना शुरू होंगे। लिस्ट बनाई जा रही है, फिर से जो लोग सक्रिय थे उनको लाया जा रहा है। खासतौर से जो लोग इसमें चुनाव के दौरान ओरिएंटेशन बदल गया था चुनाव का, तो अभी इसमें पूरा कार्रवाई की जा रही है। तो स्थानीय स्तर पर ये चिन्हितकरण हो रहा है और जो भी हिस्ट्री शीटर और एक्टिव अपराधी हैं उनके लिए हम लोगों ने बैठकें करके कार्रवाई शुरू कर दिया है और तमाम लोग इसमें जो है जमींदारों को बुलाया जा रहा है, जो जो अपराधियों की जमात लिए उनको, जो अपराधी बड़े नाम के वाले अपराधी हैं उन पर विशेष ध्यान रहेगा, जिसमें कि एसटीएफ भी काम कर रही है और बड़े जो नाम वालों पर, और जो कुछ लोग अभी बाहर हैं उन पर नाम बढ़ाने की भी कार्रवाई हो रही है, जिससे कि कठोर शिकंजा हो और ये अपराधी जेल जाए। प्रतापगढ़ के सर दो सगे भाई हैं, सभापति यादव और उसका एक और भाई, 5 लाख एक बड़ा इनामी राशि है, लेकिन अभी तक एक लंबा अरसा बीत गया है फरारी का, क्या कुछ अलग आपके तरफ से किया इसमें इसके लिए हम जनपद स्तर की जो टीम थी उसमें पुनः चेंज किया गया उसमें, और दूसरे लोगों की टीम नहीं बना दी गई है, और साथ में इसमें एसटीएफ को भी बताया गया, एसटीएफ भी इसमें लगी हुई है और उम्मीद है कि इस बार हम लोग जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे।